वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और आज हम बात करेंगे एम फार्मेसी एट पंजाबी यूनिवर्सिटी, एज़ यू आर ऑल मेंशनिंग इन द कमेंट्स। तो इस यूनिवर्सिटी के बारे में हम देखने वाले हैं। सबसे पहली स्लाइड में जो विजुअल्स हैं, कैंपस कैसा है, उसके बारे में हम देखेंगे। सबसे मेन जो है यहाँ पर, ये आप जो देख रहे हैं, ये आपका इस तरह का इन्वायरमेंट है कि ग्रीनरी है और ये पूरी आपकी बिल्डिंग है। ये आपका फार्मा का डिपार्टमेंट है, जहाँ आपका क्लासेज या फार्मा का रिलेटेड जो काम होता है। ये एक अच्छी लाइब्रेरी, वेल फर्निश्ड है, और बहुत एक अच्छा जो है बुक्स वगैरह और ई लाइब्रेरी हम कह सकते हैं कि एक्सेस अवेलेबल्स है रिसर्च आर्टिकल्स के लिए। तो हम यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं स्टार्टिंग में, फिर हम जो अपना मेन जो है कॉन्सेप्ट है वहाँ पर आएंगे। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, ये आपकी एक ऐसी सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी है जिसका नाम किसी लैंग्वेज के ऊपर है। इंडिया में तो है ही, और वर्ल्ड में देखें तो ये दूसरी यूनिवर्सिटी है जिसका नाम किसी लैंग्वेज के नाम के ऊपर है। एस्टेब्लिश्ड है 1961 में, बहुत एक पुराना हिस्ट्री है इसका खुद का। और 1993 में जो है आपका फार्मा स्टार्ट हुआ था। ऑफिशियली देखेंगे तो आप 1995 है, लेकिन 1993 में स्टार्ट हो गया था। लार्जेस्ट स्टेट यूनिवर्सिटी है, फॉरेन इंस्टीट्यूट्स के साथ अच्छा कोलैबोरेशन है कि अगर आपको पीएचडी करने के लिए जाना है अपनी पीजी के बाद, तो आपको बहुत अच्छी हेल्प मिलती है यहाँ से। एनआरआई रैंकिंग देखें तो 23 है। आपको थोड़ा सा शॉक लगेगा कि बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी जो है, और इसके साथ साथ आपका डिप्सार है, ये सारे कॉलेज इस रैंकिंग के आसपास के हैं। तो एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, हम इसे कह सकते हैं। वहीं जब आप वीडियो देखते हैं एमडीयू की, जेजेयू की, पीजेएमएस रोहतक की, तो उससे ये मच बेटर है रैंकिंग के हिसाब से भी और प्लेसमेंट के हिसाब से भी। जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर, उसका नाम है फार्मास्यूटिकल साइंस एंड ड्रग रिसर्च, जो आपका पंजाबी यूनिवर्सिटी में जहाँ पर फार्मा का क्लासेज या काम होता है। टोटल सीट्स देखेंगे आप तो 37 है। फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोग्नोसी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, इन सब में आपकी सीटें 8 हैं। और एक जो आपका फार्मेसी प्रैक्टिस है, इसमें आपकी 5 सीटें हैं। तो टोटल जो सीट्स हैं वो आपकी 37 होती है। अगर आपको लग रहा है कि ये सीट बहुत ज़्यादा है, तो अभी आपको थोड़ा सा स्ट्रेंज लगेगी ये चीज़ कि जो ये 37% सीट्स हैं, 37 सीटें हैं, इसमें आपकी 85% जो सीट्स हैं वो रिज़र्व्ड हैं पंजाब के कैंडिडेट्स के लिए। और जो बाकी स्टेट्स के कैंडिडेट्स आते हैं, दिल्ली से जाता है, हरियाणा से जाता है कोई, या कोई और स्टेट से है, उनके लिए सिर्फ आपकी 15% सीटें हैं। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो बाकी जो बच जाती हैं 15% सीटें, वो कुछ आपके 7 या 8 हैं। तो उन सीटों के लिए जो दूसरे स्टेट के कैंडिडेट्स हैं वो कम्पीट करते हैं, इसलिए वहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा है। पंजाब वालों के लिए कंपटीशन इतना नहीं है, उनके लिए अगर वो 30 सीट्स अपनी लेके चलें तो उनके लिए एडमिशन होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। फीस मैं कहूँगा बहुत बहुत आपकी ठीक फीस है, और हॉस्टल के चार्जेस भी आपके ठीक ठाक हैं, खाना बहुत अच्छा है यहाँ का। तो आप फीस देखेंगे 2 सालों की तो आपकी 85 से 19,000, अगर हम 90 भी लेके चलें यहाँ पर, तो जो है आपको पर ईयर 45,000 रुपीज़ फ़ीस देनी है यहाँ पर एम फार्मा के लिए। स्कॉलरशिप आपकी रहेगी, AICT क्वालिफाइड है, वेरीफाइड इंस्टीट्यूट है, इसलिए एडमिशन आपका जीपेट बेस पे होता है, लेकिन सीटें बचती हैं तब वो आपकी नॉन जीपेट स्टूडेंट्स को वो मिलती हैं। अगर आप पंजाब से हैं और आपका जीपेट क्वालिफाइड नहीं है, तब भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ये फॉर्म आपको भर लेना चाहिए, क्योंकि 85% सीट्स में आपके लिए कहीं ना कहीं पर, स्पेशली फार्माकोग्नोसी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, सीट निकल ही आती है। तो अगर आप पंजाब से हैं तो आपको ये फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए। अभी फॉर्म आए नहीं हैं, हम वो भी देखेंगे इस वीडियो में। प्लेसमेंट्स देखें तो 70-80% स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट हो जाती है यहाँ पर। लेकिन एक थोड़ा सा मुझे इशू लगा कि जो यहाँ पर कंपनीज आती हैं, ऑलमोस्ट आप देखेंगे वो MBA के लिए और BTEC के लिए ज़्यादा हैं। फार्मा के लिए इतनी कंपनीज नहीं आती हैं, कुछ कंपनीज हैं जो विज़िट करती हैं, लेकिन आती हैं कंपनियां यहाँ पर। एवरेज पैकेज देखेंगे तो 3.5 लाख के करीब है, और हाईएस्ट पैकेज जो है वो आपका 20 लाख तक का रहा है यहाँ पर। कंपनीज विजिट करती हैं जो सन फार्मा है, टोरेंट है, जुबिलियट कैमवे है, डावर है, पेनेका बायोटेक है, आपका कैडिला इंटसिफ्ट है, मॉर्फन एंड सममोर, ये ऑलमोस्ट आप वही कंपनीज देखेंगे जिनके आपके ऑफिसेज या कॉरपोरेट ऑफिसेज या प्रोडक्शन हाउसेज पंजाब के आसपास पड़ते हैं। तो स्पेशली आप देखेंगे कि वही कंपनी यहाँ पर ज़्यादा विजिट करती हैं, लेकिन प्लेसमेंट जो है हो रहा है। तो
हाईएस्ट पैकेज तो है आपका 20 लाख का, लेकिन यहाँ से थोड़ा आप देखेंगे तो 3.5 लाख का पैकेज आपका ठीक ठाक है। लेकिन एक प्लेसमेंट सिक्योर करना एक इस फीस के हिसाब से मुझे लगता है काफ़ी ठीक ऑप्शन है। एप्लीकेशन जो हम देखते हैं वो अभी आई नहीं है, लेकिन वो जुलाई के शायद फर्स्ट वीक में आ जाए या सेकंड वीक में आ जाए तो वो आपकी जल्दी ही आने वाली है, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि आई थिंक जो है वो 12th का रिजल्ट्स कुछ जिसकी वजह से जो एप्लीकेशन्स लेट हो रही हैं कि यूजी और पीजी का इकट्ठा निकलेगा। हालांकि इस यूनिवर्सिटी ने बीटेक के लिए और एमबीए के लिए अभी एप्लीकेशन खुले हैं, लेकिन एमबीए यहाँ पर फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट में नहीं होती है, इसलिए मैंने उसको यहाँ पर डिस्कस नहीं करा है। एमबीए है लेकिन वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में है, इंटरनेशनल बिजनेस में है, जिसके लिए आपके पास जीमैट होना चाहिए या ये अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। तो जीपैट जो है एमबीए में यहाँ पर नहीं चलता है, क्योंकि फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट में एमबीए नहीं है। जनरल के लिए आप और जो अदर्स के लिए हैं उनके लिए आप एप्लीकेशन फ़ीस देखेंगे तो वो 1000 रुपये है, SC ST के लिए 700 रुपये है। और आप जब यूनिवर्सिटी के वहाँ पर जाएंगे तो इन्होंने अलग अलग फॉर्म नंबर निकाले हुए हैं। जैसे एम फार्मा के लिए आपका फॉर्म नंबर 04 है जो आपको फिल करना है। अगर कोई मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी में फॉर्म फिल कर रहा है तो उसे फॉर्म नंबर 05 फिल करना है। तो ऐसे इन्होंने फॉर्म नंबर दिए हुए हैं, तो आपको एम फार्मा के लिए फॉर्म नंबर 4 फिल करना है। बहुत इजीली आप साइट पे विजिट करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि ये आपको फॉर्म फिल करना है। और इसमें आपको रजिस्ट्रेशन के लिए पहले ही जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो भरनी पड़ती है, उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाता है। यानी आप रजिस्टर करेंगे, उसके बाद फ़ीस, और फिर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपकी इंफॉर्मेशन मांगी जाती है वो सब। तो ऐसा आपका रहता है। एमबीए के लिए आप अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन कोई आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा नहीं, क्योंकि फार्मास्यूटिकल में नहीं है, फाइनेंशियल में या कोई किसी और स्ट्रीम में मूव करना चाहता है तो वो फॉर्म भर सकता है। वो अभी भी आपके जो हैं आई थिंक फॉर्म ओपन है कुछ दिनों के लिए। तो ये आपका पंजाबी यूनिवर्सिटी के बारे में था। ऑलमोस्ट आप देखेंगे जो बाहर के कैंडिडेट हैं उसके लिए सिर्फ 7 सीटें हैं, तो आपका ऑलमोस्ट आपका जीपैट कैंडिडेट्स जो हैं उन्हीं का एडमिशन होगा। सो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड यू कैन प्रेस द सब्सक्राइब बटन। नेक्स्ट वीडियो हम एक और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में देखेंगे। सून आई विल अपलोड इट। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एडमिशन एंड एग्ज़ाम्स।